बात हो रही है बॉलीवुड की ब्यूटी डीवा ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में, एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिनकी खूबसूरती ने हर किसी को दीवाना बना दिया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने हमेशा से ही बॉलीवुड टाउन में अपनी खूबसूरती को बरकरार रखा है। लेकिन खूबसूरती से हटकर बात अगर उनके प्रोफेशन की जाए तो कभी एक से बढ़कर एक हिट फिल्म देने वाली ऐश्वर्या लास्ट सरबजीत फिल्म के हिट एक्ट्रेस बनी रही। लेकिन इसके बाद उनकी कुछ फिल्में ऐसी आई जो कि बॉक्स ऑफिस पर खास धमाल नहीं कर पाई। खैर, आने वाले समय में ऐश्वर्या कौन सी बड़ी फिल्म में नजर आएंगी, ये जानने का तो सभी को इंतजार है। बात अगर की जाए फिलहाल फिल्मों के लिए तरसने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन की करियर में आई रुकावट के बारे में, गिरावट के बारे में, तो एक समय ऐसा था जब ऐश्वर्या अपने फिल्मों के लिए तरस रही थी। तमाम फिल्मों से उन्हें बाहर का रास्ता लगातार दिखाया जा रहा था और इसके पीछे कारण उनके एक्स लवर सलमान खान नहीं बल्कि उनके एक ऐसे मित्र रहे जिनके साथ आज भी ऐश्वर्या की लाजवाब बॉन्डिंग है। सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे लेकिन वो बॉलीवुड के बादशाह खान यानी कि शाहरुख खान है। जी हाँ, वही शाहरुख जिनके साथ ऐश्वर्या फिल्म देवदास में नजर आई रोमांस करती हुई, उनके साथ की लव स्टोरी जो काफी मशहूर रही। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी फिल्म थी जिसमें ऐश्वर्या को लीड रोल प्ले करने के लिए ऑफर दिया गया शाहरुख के अपोजिट, लेकिन शाहरुख तब सलमान खान के डर से ऐश्वर्या को अपनी फिल्म में लीड हीरोइन रखने से डर गए और उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया। मोहब्बतें फिल्म से देवदास तक जिस शाहरुख ऐश्वर्या की जोड़ी ने धमाल किया बॉलीवुड में, जिनकी केमिस्ट्री हमेशा ही लाजवाब रही, उन्हें फिर काफी समय तक साथ काम करते नहीं देखा गया था। फिल्म ए दिल है मुश्किल में एक बार फिर ऐश्वर्या के हस्बैंड के रोल में शाहरुख नजर आए थे, लेकिन इससे पहले उनके बीच काफी समय तक दोस्ती टूटी हुई थी, जिसके पीछे का कारण ये था कि 5 फिल्मों से ऐश्वर्या के बाहर होने के पीछे शाहरुख खान थे। उनका डर था जो कि सलमान खान से डरते थे। जब ऐश्वर्या और सलमान का ब्रेकअप हुआ था तो ऐश्वर्या राय बच्चन के करीब शाहरुख खान नहीं बर्दाश्त कर पाते सलमान खान। साल 2003 में आई फिल्म चलते चलते एक बड़ा फिल्म के नाम के तौर पर माना जाता है, जिसमें रानी मुखर्जी को ऐश्वर्या की रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया। इसके अलावा वीर जारा में भी प्रीति जिंटा से पहले ऐश्वर्या का नाम शुमार हुआ था जिससे भी वो रिप्लेस्ड की गई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।